Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Achievers में. मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फर्स्ट ऑफ फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके. ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड? राइट आंसर होगा 1 फरवरी. ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी, यानी 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. ठीक है, 1 फरवरी 1977, ओके 1977 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी और 2021 में जो है इसका 45वां इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. ठीक है, कौन सा एडिशन है? 45th. ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड कौन होते हैं? हमारे भारतीय तटरक्षक बल, यानी तटरक्षक यानी जो भारतीय तट को सुरक्षित रखने का काम करते हैं. भारत के समुद्री क्षेत्रों में सी साइड रीजन में जो रूल रेगुलेशन को लागू करने का जो काम होता है सी रीजन में, उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भूमिका होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है, और लोगों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं, यानी लोगों को बचाने का काम करते हैं जब कभी भी वैसा नेचुरल डिजास्टर होता है. इसलिए इसका मोटो भी है, मोटो यानी इसका इसका आदर्श वाक्य है, बोला जाता है सत्यम सत्यम रक्षाम, यानी ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ट्रू वर्ड है. ठीक है, मोटो है, इसका अर्थ होता है हम रक्षा करते हैं. ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल. ठीक है, याद रखिएगा, इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1977 में. ऑल राइट, और अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रेजेंट में वो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन. ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाल ही में अरविंद जोशी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अरविंद जोशी, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, यह फिल्मी जगत से संबंधित थे. ठीक है, फिल्मी जगत से अरविंद जोशी, ये गुजराती थिएटर के व्यक्तित्व थे. वे गुजराती रंगमंच के एक प्रमुख चेहरा थे. ठीक है, उन्हें गुजराती फिल्मों में भी देखा गया, जैसे कि घेर घेर, मतीना चूल्हा और गरासियो, ये गुजराती फिल्म है. ठीक है, तो ये जो ये पर्सन जो थे अरविंद जोशी, ये गुजराती थिएटर के प्रमुख चेहरा थे. ठीक है, फेमस पर्सन थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपना स्वयं का पैकेज पेयजल मिशन भागीरथ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना. ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है मिशन भागीरथ लॉन्च किया गया है. ठीक है, कौन सा मिशन है? मिशन भागीरथ. जितने भी मिशन, जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जा रही है रिसेंटली, वो सब आपको याद रखनी है. ठीक है, तो मिशन भागीरथ जो है ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है. इसका जो मोटो है, उद्देश्य है, तेलंगाना सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम मिशन भागीरथ का उद्देश्य है हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना. ठीक है, ये इसका मोटो है. क्या है? हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट तेलंगाना के बारे में देखते हैं, गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन हो गए, के चंद्रशेखर राव सीएम ऑफ तेलंगाना. एरिया वाइज तेलंगाना का 11th रैंक है एंड पॉपुलेशन वाइज 12th. ओके, यहाँ देखिए, ये रहा आपका तेलंगाना जो कि बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और ये क्या है, छत्तीसगढ़. राइट, यस, तो ये इन 5 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 28 जनवरी 2021 को जारी टाटा ट्रस्ट द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है?
तो न्याय वितरण प्रणाली में महाराष्ट्र जो है ये टॉप पे है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य न्याय वितरण प्रणाली में कौन सा है? महाराष्ट्र। ओके, और इस सूची में जो है, इस रिपोर्ट में जिसका सबसे खराब प्रदर्शन है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है न्याय वितरण प्रणाली में। ओके, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में भी में यह भी पाया गया है कि भारत में केवल 29% महिलाएं जो हैं वो न्यायाधीश हैं। कितने प्रतिशत? 29% सिर्फ महिलाएं जो है महिला न्यायाधीश हैं। ओके, ये इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में पाया गया है। और टॉप पे कौन है न्याय वितरण प्रणाली में? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या हो गया? मुंबई। एरिया वाइज रैंक 3rd है, पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हो गए एंड उद्धव ठाकरे सीएम ऑफ महाराष्ट्र, डिप्टी सीएम अजीत पवार। राज्यसभा देखिए 19 सीट है एंड 48 इन लोकसभा। नेशनल पार्क महाराष्ट्र का चंदौली नेशनल पार्क हो गया, नेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क हो गया और गुगामल नेशनल पार्क। तो ये सारी नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र कितने राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है? गुजरात, महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड गोवा, ठीक है। तो इन 6 राज्यों से जो है अपना बाउंड्री शेयर करता है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी फटा है, यह कहाँ स्थित है? तो माउंट मेरापी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है, ठीक है। जावा द्वीप पर, जावा आइलैंड पर इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। किस आइलैंड पे है? इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे। ओके, और इसकी हाइट जो है, ये माउंट मेरापी का हाइट देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, 2963 मीटर ऊंचा। मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ठीक है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और देश के दूसरे सबसे बड़े अलर्ट स्तर पर है। इंडोनेशिया में किसी भी अंग देश की तुलना में अधिक ज्वालामुखी है, ठीक है। इंडोनेशिया में जो है दूसरे कंट्री की तुलना में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है यहाँ, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल एंड करेंसी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल और करेंसी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। किस राज्य में हाल ही में 2 BHK डिग्निटी हाउसेज का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में रिसेंटली जो है 2 BHK डिग्निटी हाउस का उद्घाटन किया गया है। ओके, तेलंगाना के मंत्रियों ने 29 जनवरी 2021 को हैदराबाद के गांधीनगर और श्रीरामनगर निकायों में जो 264 दो बेडरूम डिग्निटी हाउस का उद्घाटन किया है, ठीक है। दो बेडरूम यानी 2 BHK डिग्निटी हाउस का उद्घाटन किया है, 264 2 BHK डिग्निटी हाउस का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना के बारे में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनूठी पहल, प्लास्टिक लाओ खाना खाओ को तेज करते हुए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गार्डन कैफे, सॉरी यहाँ गार्डन नहीं होगा, गार्बेज होगा, राइट, गार्बेज कैफे खोले गए हैं? तो गार्बेज कैफे जो है ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में दक्षिण दिल्ली के नगर निगम ने 23 और गार्बेज कैफे खोले हैं, यानी यहाँ 23 और गार्बेज कैफे पहले भी यहाँ खोले जा चुके हैं, नाउ 23 और गार्बेज कैफे यहाँ स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 1 किलो प्लास्टिक कचरे को जमा करने वाले किसी भी व्यक्ति को STMC पार्टनर रेस्तरा में मुफ्त नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात के खाने के लिए एक कूपन मिलेगा, यानी ये जो पहल है इसके पहल के थ्रू जो है इसका एक ही मोटो है, जो प्लास्टिक होते हैं, जो कचरे हैं, प्लास्टिक जो कचरे हैं उनको ख़त्म करना, ठीक है, एनवायरमेंट से। तो जो लोग, जो व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक देंगे उनको जो है मुफ्त में नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर का भोजन दिया जाएगा या फिर रात के खाने के लिए कूपन मिलेगा, ठीक है। तो ये किया गया है प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। ओके, प्लास्टिक के कचरे को ख़त्म करने के लिए ये पहल स्टार्ट किया गया, ठीक है। गार्बेज कैफे खोला गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अनूठी पहल, प्लास्टिक लाओ खाना खाओ।
और 2019 में जो है भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया था, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। फर्स्ट गार्बेज कैफे 2019 में खोला गया था छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑल राइट, नाउ दिल्ली के बारे में देखते हैं। फॉर्मेशन किया गया था इसका 1956 में एज यूनियन टेरिटरी एंड इसे नेशनल कैपिटल का दर्जा इसे दिया गया था, कैपिटल का स्टेटस इसे प्राप्त हुआ था 1 फरवरी इन 1992, यानी आज के दिन ही इसे नेशनल कैपिटल का स्टेटस प्राप्त हुआ था, ठीक है। टोटल कैपिटल न्यू दिल्ली हो गया, टोटल डिस्ट्रिक्ट देखिए 11 है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजाल हो गए एंड अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफ दिल्ली, डिप्टी सीएम मनीषा सिसोदिया हो गई, सॉरी मनीष सिसोदिया हैं। लोकसभा राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 7 सीट है। एरिया वाइज रैंक 31st है, यानी 31वां रैंक है अकॉर्डिंग टू एरिया। एंड यहाँ देखिए मैप पे ये रहा जो कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जो कि बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, ठीक है। इसका थ्री पार्ट जो है, थ्री इसका रीजन जो है ये हरियाणा से कवर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ तैयार किया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा बैंगलोर। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर का एक रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक बैयपनाहली में जो है, बैंगलोर के बैयपनाहली में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा, ठीक है। 2021 के फरवरी में जो है ये इस टर्मिनल का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ये कंप्लीट होने की उम्मीद है। ओके, तो याद रखिएगा बेंगलुरु के बैयपनाहली में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल को खोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट लेदर पार्क, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है अनाउंस किया गया है कंट्री का फर्स्ट लेदर पार्क की एस्टैब्लिशमेंट करने की, ठीक है। फर्स्ट लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ऑल राइट, उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ हो गया, लार्जेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश दैट इज कानपुर। ओके, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हो गए, योगी आदित्यनाथ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, राइट। एंड हाईकोर्ट देख लीजिए, इलाहाबाद नाउ प्रयागराज जी से बोलते हैं, ब्रांच इसका लखनऊ में है, ठीक है। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश जो कि बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली हो गया यहाँ पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। और साथ ही साथ एक कंट्री से जो कि यहाँ नेपाल से अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है, विच कंट्री हैज रैंक्ड इंडिया इन द ऑनगोइंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो देखिए इस इंडेक्स में जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI ये 2020 के लिए जारी किया गया है, 2020 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इस इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक 86 है, ठीक है, 86वां स्थान जो है भारत का आया है इन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में, ठीक है। ऑल ओवर देखिए यहाँ 180 देश का रिपोर्ट जारी किया गया था, 180 देश में टोटल ऑल ओवर 180 में इंडिया का रैंक 86 है, ठीक है। यह जो है और यह रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया गया है। और देखिए 2019 की तुलना में 2019 में इंडिया जो है 80 रैंक पे था, ठीक है, 2019 में 80 स्थान पे था और 2020 में इंडिया का रैंक जो है ये 86 है, यानी भारत का स्थान 6 पायदान जो है खिसक गया है, ठीक है। यानी इसका स्कोर 40 दिया गया, देखिए ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स सॉरी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इस इंडेक्स में 0 से 100 रैंक दिए जाते हैं, ठीक है, स्कोर दिए जाते हैं 0 से
100 तक स्कोर दिए जाते हैं, जिसमें जिसका जीरो स्कोर होगा यानी वह कंट्री जो है सबसे खराब स्थिति में है, यानी वह कंट्री अत्यधिक भ्रष्ट है, ठीक है। और जिसका 100 के करीब होगा, यानी जिसका 100 होगा तो वो कंट्री जो है ये साफ है, ठीक है। तो इंडिया का स्कोर इसमें है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का स्कोर 40 दिया गया है, और 40 स्कोर के साथ जो है इंडिया का रैंक 86 है, ठीक है, ऑल ओवर 180 कंट्री में, ओके। और इसके इंडिया के साथ साथ जो है देखिए भारत, बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद, टोबैको और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना स्थान साझा कर रहा है। यानी इंडिया के साथ साथ जो है ये सारी कंट्री का भी स्कोर जो है सेम आया है, और ये भी 86 रैंक पे है, ठीक है। और टॉप की बात करें, कौन सी कंट्री टॉप हुई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, दैट इज़ न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, राइट। न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है ये संयुक्त रूप से जो है ज्वाइंटली ये टॉप किया है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है 88 के स्कोर के साथ, ठीक है। इसका स्कोर आया है 88 और ये टॉप पोजीशन पे है, ओके। सबसे हाईएस्ट स्कोर है 88 न्यूजीलैंड और डेनमार्क का, ठीक है। और सबसे निचले स्थान पर है सोमालिया और दक्षिण सूडान, जिसका स्कोर है 12। इंडिया का स्कोर है 40, जो टॉप पे है दो कंट्री न्यूजीलैंड डेनमार्क उसका 88, एंड जो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है दैट इज सोमालिया एंड दक्षिण सूडान, उसका स्कोर है 12, ठीक है। और इसके साथ जो है सोमालिया और दक्षिण सूडान का रैंक जो है 179 है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ओके। नाउ इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस एजेंसी के बारे में बात करें तो इसका हेड क्वार्टर बर्लिन में है, कि जर्मनी के बर्लिन में, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 4 मई 1993 में, ठीक है। और अभी प्रेजेंट चेयरमैन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेलिया फेरीरा अभी इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। नाउ तो याद रखिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है 86 है, ठीक है। आपको सारे रैंक याद रखनी है, जो भी रिसेंटली जनवरी में भी बहुत सारे इंडेक्स अभी रिलीज़ किए गए हैं तो सारा आपको याद रखना है, ठीक है। मैं रिविज़न करवाते रहती हूँ, तो चलिए आज आप लोग को बताना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है जो भी रिसेंटली इंडेक्स रिलीज़ किए गए हैं, लाइक मैं यहाँ लिख रही हूँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स HPI, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, टॉप पे कौन सी कंट्री है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है और इंडिया का रैंक क्या है। फिर इंडिया का एक नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, कौन सा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स में कौन से स्टेट जो है ये टॉप किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्स के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैं रिवीजन भी करवा चुकी हूँ और आप लोग से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका राइट आंसर होगा जय शाह, ठीक है। जय शाह को इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो याद रखिएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, जय शाह को, ओके। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह 30 जनवरी 2021 को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये पहले जो थे जय शाह जो थे ये BCCI के सचिव थे, ठीक है, सेक्रेटरी थे। अब इन्हें जो है ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह लेंगे, यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो पहले जो फॉर्मर चेयरमैन थे वो थे नजमुल हसन पापोन, ठीक है, ये बांग्लादेश के थे, ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख थे नजमुल हसन पापोन, ये पहले प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, अब जो है इनका स्थान जय शाह लेंगे, ओके। BCCI के मुताबिक 32 साल के जय शाह
ACC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। यानी BCCI के मुताबिक ये बताया गया है कि 32 साल के जैसा 32 साल के साथ जो है ये सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं जो ACC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। ओके, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो अपॉइंटमेंट की बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है जनवरी में, अभी 2021 में, तो आपको याद रखने हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है आपको सारे को याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए ये बताइए, चेयरमैन ऑफ BCCI के चेयरमैन कौन है, आप लोगों को बताना है। और रिसेंटली बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुई है, लाइक हम लोग ने रिसेंटली देखा था MD ऑफ CBI के मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है। दो पर्सन को बनाया गया है, दैट इज अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन को तो आपको याद रखने हैं। सेल के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई थी सोमा मंडल। आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस, जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस, सिक्किम के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की भी अपॉइंटमेंट हुई है, आप लोग बता सकते हैं रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। तो आपको सारे जो भी अपॉइंटमेंट होती है आपको याद रखनी है। ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, और मैं सारे करवाती हूँ और रिवीजन भी मैं करवाती जाऊँगी आपको। ठीक है, बस आपको कंटिन्यू रेगुलर वीडियो को देखते रहना है, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद की गई है। इंडियाज रियल GDP इज प्रोजेक्टेड टू रिकॉर्ड हाउ मच ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 2021-2022। इसका राइट आंसर होगा 11%। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है ये फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया का GDP की बढ़ोतरी में ये उम्मीद की गई है कि 11% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, 2021-22 के वित्त वर्ष के अनुसार। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का आयोजन किया, और इसका मेन थीम था COVID-19 वेरियंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है इंडिया का GDP 2021-22 में 11% रहने की उम्मीद की गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया गया है। रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क हैज बीन बिल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा केरला। ठीक है, केरला में इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क बनाया गया है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क हैज बीन बिल्ट इन केरला, याद रखना है आपको। लिंग पार्क को यानी जेंडर पार्क को प्रासंगिक हस्तक्षेप बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, ताकि लिंग आधारित मुद्दों की एक श्रृंखला को संबोधित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गया, लार्जेस्ट सिटी आल्सो तिरुवनंतपुरम। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, पिनराई विजयन CM ऑफ केरला। एरिया वाइज रैंक देखिए 21st नंबर पे है, पॉपुलेशन वाइज 13, एंड नेशनल पार्क देख लीजिए, अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क केरला का हो गया, इराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क हो गया, पम्बदुम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो सारे नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे केरला के हैं। ठीक है, केरला मैप पे देखिए दो राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी इन फिस्कल ईयर 2021-22। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी, यानी 2021 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी, दैट इज 7.7%। ठीक है, संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने तैयार किया है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार
दैट इज चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने इसे तैयार किया है। इसमें 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट की आशंका जताई गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस दिग्गज बंगाली अभिनेता का निधन हुआ है? विच वेटरन बंगाली एक्टर हैज डाइड रिसेंटली? इसका राइट आंसर होगा इंद्रजीत देव। इंद्रजीत देव ये बंगाली एक्टर थे जिनका रिसेंटली जो है ये निधन हुआ है। ठीक है, ऑब्विटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ विंग्स कैंपन फॉर गर्ल्स? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो भी क्वेश्चन इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन मैं पूछी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, वो सारे का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली GK GS क्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।